अब हमने ये देख लिया कि सीक्वेंस क्रिएट कैसे करना है सीक्वेंस की डेटा डिक्शनरी हमने ब्राउज कर ली है और सीक्वेंस बनाने के वक्त हमने डिफरेंट ऑप्शन कैसे करनी है डिसेबल कैसे करनी है वो देख लिया नाउ द लास्ट थिंग कि अब हमने सीक्वेंस को यूज कैसे करना है फॉर डिफरेंट पर्पज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ यूजिंग सीक्वेंस इज कि हम इसको यूज करते हुए नया रिकॉर्ड कोई ऐड कर सके इन टू अ पर्टिकुलर टेबल तो दैट इज द सिंगल या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट use of sequence. So now look at the screen. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो sequence है उसको कोई भी table use कर सकता है कोई भी user use यूज कर सकता है So basically sequence is table independent. ये हम इसको get together नहीं कर रहे with any particular table. अब जब हम sequence create करते हैं तो we need to keep track of two columns. One is next val well and other is cur val. Well. मैंने जो डाटा इंसर्ट करने की कोशिश की है लुक एट दिस इंसर्ट इन टू ई ब्रैकेट में एम्प नंबर यानी मैं सिर्फ इंप्लॉय नंबर के कॉलम में वैल्यू एड करना चाह रहा हूं वैल्यूस ब्रैकेट कस्टमर अंडर स्कोर सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट वैल कस्टमर अंडर स्कोर सेक इज द नेम ऑफ माई सीक्वेंस एंड नेक्स्ट वैल इज अ कॉलम जो कि हर सीक्वेंस के साथ अटैच है ये रिटर्न करता है नेक्स्ट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस यानी फॉर एग्जाम्पल अगर करंट वैल्यू है वन नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी टू आप दोबारे से कॉल करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी थ्री एंड सो ऑन दिस इज अ वे टू यूज अ सीक्वेंस इसी तरीके से एक और कॉलम है सीक्वेंस का जिसको बोलते हैं अ कर वैल तो अ कस्टमर एंडर सेक डॉट अ कर वैल मीन इट विल रिटर्न यू द करंट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि अभी तक मैंने कितनी वैल्यू जनरेट कर ली है या अभी कौन सी वैल्यू मैंने जनरेट की है सीक्वेंस की तो उसके लिए जो कॉलम अवेलेबल है कर वैल जस्ट लाइक नेक्स्ट वेल नेक्स्ट वेल विल गिव यू द नेक्स्ट वैल्यू एंड कर वैल विल गिव यू द करंट वैल्यू विच अ सीक्वेंस इज होल्डिंग नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस क्यूरी सो ओके Okay, so I have just changed the name from customer underscore sec to customer underscore sec underscore test. So let us see what it will return. It is getting executed, or the message which we are getting is sequence doesn't exist. Customers underscore sec underscore next value. Okay, so let us try to rerun it. And when we rerun it, so it's giving me a message one row inserted. So let's explore the employee table and see what value it has generated. Select the static from EMP. So this is a way through which I can view the inserted value in employee table.

सीक्वेंस ना जिस नेक्स्ट वैल का जो कॉलम है यह आपको नेक्स्ट वैल्यू देता है और मैं अगर इसी इंसर्ट को दोबारा रन करूंगा तो लेट सी वॉट इट विल डू अगेन वन रो इंसर्टेड एंड देन आई कैन यूज सिलेक्ट अगेन अगली वैल्यू वन थाउजेंड वन है वो इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट कर दी है और इंसर्ट भी कर दिया है और इसी तरीके से मैं अगर ये देखना चाह रहा हूं कि मेरी करंट वैल्यू सीक्वेंस में क्या पड़ी है तो इट विल टेल मी ओके so now let's try to run this query select customers_sec_test dot next_val ये next_val जनरेट करेगा and a customer_sec_test underscore a current_val from dual dual वही pseudo table है जो आपको इसी तरह की values को जनरेट करने में मदद करता है तो next_val आपको next value देता है और current_val आपको current value बताता है sequence की तो so, let's try to run it जब मैं इसको run किया तो

या रो को एड कर सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट सिक्वेंसेज